दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार 24 सितंबर से जनपद फिरोजाबाद में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा समारोह के आखिरी दिन गुरुवार को सारथी भवन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन फिरोजाबाद लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों, ओवरलोड वाहनों और वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की सद्भावना पूर्व चेकिंग की गयी और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस मौके पर परिवहन विभाग फिरोजाबाद के संभागीय निरीक्षक प्रावधिक हरिओम और अखिलेश यादव के साथ परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों सहित फिरोजाबाद यातायात प्रभारी भैयालाल यादव, यातायात उप निरीक्षक रामबाबू गौतम, वन विभाग के कर्मचारी, यातायात पुलिसकर्मी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और प्रवर्तन दल और अन्य उपस्थित रहे। सर, आज RTO विभाग में सड़क सुरक्षा को लेकर समापन किया गया, किस तरीके समापन किया? ये आज हमारा जो शासन के निर्देशों में और हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था। इसी के दौरान आज हमारा जो सप्ताह का जो है वो समापन था। इसके दौरान आज हमारे जो है मतलब जो RTO परिवर्तन है श्री लक्ष्मण प्रसाद सर जो है उनके द्वारा ओवरलोड वाहनों का जो है चालान किया गया, अवैध रूप से खड़े हुए वाहनों का जो रोड के किनारे जो नो पार्किंग में खड़ा करते हैं उनका भी चालान किया गया। उसके अलावा हमारे यहाँ एक जो टेम्पू चालक है, बस चालक हैं, इनकी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिनको COVID-19 के बारे में और जो सड़क सुरक्षा के बारे में जो जागरूक किया गया कि यातायात के नियमों के बारे में कैसे आपने जो है उनको पालन कराना है इसी के बारे में बताया। अब समापन को लेकर का जनता से किस तरीके अपील करेंगे भवन स्वामियों से? बस मैं जनता से ये अपील करूँगा कि ये जो रोड सेफ्टी जो सप्ताह मनाया जाता है ये जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो जो भी लोग इनमें हमारे साथ जुड़े हैं इस सप्ताह के दौरान मैं उनसे यही अपील करूँगा कि वह स्वयं भी यातायात के नियमों का पालन करें और साथ साथ जो मतलब जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं जो भी है सभी को उनको उनके बारे में अवगत कराएं जिससे हमारा जो जो दुर्घटनाएँ जो होती हैं रोड पर मतलब प्रतिदिन जो होते हैं उनमें कमी लाई जा सके।